क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अंकित मूल्य का दो बटे पांच जब बेचेंगे तो 25% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य को मान लेते पांच, जो नीचे लिखा होता है उसको उतना अंकित मूल्य मान लेंगे। तो 5 × 2/5, तो 5 कट गया, तो विक्रय मूल्य आ गया 2। विक्रय मूल्य पता है आपको, और जब हम किसी वस्तु को 2 में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही है 25% की। तो यहाँ से निकालते हैं क्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है क्रय विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि परसेंट। विक्रय मूल्य है 2 × 100/ हानि परसेंट है 100 माइनस हानि 25% यानी 75। 25 × 75, 25 × 100, 8/3 आ गया। तो इसमें पूछा गया वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित कीमत यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अनुपात लागत, लागत को क्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य का मान 5, अनुपात क्रय मूल्य का मान 8/3, एलसीएम ले लिया 15:8। एक बार एलसीएम के बाद इसका यूज़ नहीं होता, तो 15:8 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डी सही है।